आज निकले हैं बूंदी कोटा के टूर पे, तो ऑफिस के काम से ही निकले हैं। जो भी रहता है बताएंगे आपको, ठीक है। वैसे ऐसे सुना तो है कोटा सिग्नल फ्री है, और आज देख भी लिया कहीं पे भी कोई रेड लाइट या कोई सिग्नल नहीं है। सिटी सिटी में 6-7 किलोमीटर से ज्यादा चल लियो। हाँ, अभी तक तो मिले नहीं, अभी तक तो मिली नहीं। सर्किल बना दिए सारी सर्किल है, फ्लाईओवर बना दिए। अभी अपने को इस आगे वाले सर्किल से घूम के चलना है राइट में। हाँ, अभी देखना सर्किल पे भी आपस में क्रॉस बिल्कुल ऐसे हो रखे हैं। Sharp right to stay on National Highway 148, National Highway 52, then turn left onto Barron Road. Finally, अपन पहली डेस्टिनेशन पे पहुंच ही गए। हम इस प्रोजेक्ट पे आए हैं आकांक्षा फाइट्स, क्या कंस्ट्रक्शन स्टेज है सारी चीजें चेक करने के लिए। तो देखते हैं, ये सब पहला प्रोजेक्ट है। दोनों बिल्डिंगों के बीच में डीमार्ट है। कुछ भी शॉपिंग करनी हो, परचेज करना हो, तो इमीडिएट यहाँ के परचेज कर सकते हैं। तो ओवरऑल देखा जाए तो प्रोजेक्ट आइटों में घूमना इतना इजी नहीं होता। ये देखो ऊपर से कुछ भी आ जाए, नेट वगैरह ऐसे लगी हुई है, पर हर कोई लगा के नहीं रखता। सही पार्किंग स्पेस है। इतना बड़ा प्रोजेक्ट बनाया है और देखो पेड़ को बचा दिया, पेड़ को नहीं काटा, पेड़ भी काफी सालों पुराने हैं। भाई साहब ने तो पूरा ठेला खाली कर दिया। ये आ गए हम कोटा की गलियों में, हैं कोटा के बाजार में सामने की तरफ सजा हुआ बाजार दिख रहा है, डेकोरेशन वगैरह झंडे लगे हुए हैं। ये लोकसभा के रिजल्ट कब आ रहा है? यार अभी 7 को यूपी में इलेक्शन, पूरे इंडिया के एक साथ आएगा ना या अलग ऐसा स्टेट वाइज आएगा? वो तो एक साथ ही आ जाएंगे, अलग अलग राज्य के आ जाएंगे। इस राज्य का इतना ही कुछ राज्य का नहीं। अब एक्चुअली डेट तो मुझे भी नहीं पता। अभी हम जा रहे हैं दूसरे प्रोजेक्ट पे, ये लोकेशन चल रही है। वो जो दिख रहे हैं ब्लू कलर की, वो है इसका पहला कृष्णा हाइट्स। दूसरा सोचे लाल दे रथ शानदार लग रहा है। कौन है ये? कृष्ण अर्जुन संवाद, बड़ा प्यारा बनाया है। संपूर्ण ज्ञान हो रहा है। अच्छा अपन चंबल रिवर के ऊपर चलो क्या? वैसे कोटा की इन गलियों में एक सुकून है भीड़ भाड़ से, ट्रैफिक जाम से, जो कई बड़े शहरों में देखने को मिलता है। जैसे हम जयपुर के रहने वाले हैं और हमें पता है ट्रैफिक क्या होता है। जो भी है स्टैचू शानदार, वही मैं कह रहा हूँ। अब ये देखो ग्लोब के ऊपर पूरा नक्शा और इसके ऊपर सैनिक बैठा है, सैनिक और कुछ बच्चे। ऐसे और भी काफ़ी सारे कोटा में स्टैचू हैं जो कि कोटा की धरोहर ही बोल सकते हैं। वीडियो में आपको और भी काफ़ी अच्छे अच्छे स्टैचू देखने को मिलेंगे। हमारी वीडियो के कई पार्ट आएंगे, आप उन सारे पार्ट को देखिए और आनंद लीजिए। भीड़ भी नहीं है, ट्रैफिक सिग्नल कुछ भी नहीं है। सबसे पहला तो ये
है कि ट्रैफिक नहीं है, और ट्रैफिक इसलिए नहीं है कि इन्होंने सिग्नल फ्री कर रखा है, चलते ही जाओ। हाँ, अब जैसे कि भीड़ कहाँ लगती है, चौराहे पे लगती है, वो उन्होंने फ्री कर रखे हैं। यहाँ क्या है, बच्चे ज़्यादा पढ़ने आते हैं ना, तो वो लेट ना हो, लेट नहीं हो ट्रैफिक में। पता लगे कि 7 बजे निकला क्लास, 9 बजे पहुँचा। तो अभी हम आ गए कोटा के कोचिंग हब लोकेशन में, यहाँ सारी कोचिंग आपको मिल जाएगी। यहाँ भी एक प्रोजेक्ट है रॉयल एलिना, वो विजिट करने आए अनिरुद्ध रेजिडेंस। यहाँ भी है ये देखो फिजिक्स वाला के बैनर। लगता है पूरी बिल्डिंग ही इसने मॉर्गेज कर ली है। इंट्रोड्यूसिंग बीपी रेजिडेंशियल प्रोग्राम। सही टक्टिंग देखो आज का है, टक्टिंग देखो। हाँ, यहाँ पूरा कैंपस बना दिया है, चेपा हुआ है, काम कंप्लीट ही हो गया। ये क्या है, क्या सिलेंडर है, हैं मेरे साथ ही तो आरो हो गए। देखे कहीं कुछ लिखा हो, ये रहा ना नीचे। कंपोजिट प्रेशर विसल। भाई आप लोगों का आइडिया होता है एक बार कमेंट में जरूर बताना किस क्या है ये। कोटा में या जितनी भी बिल्डिंगें हैं, या तो किसी में कोई कोचिंग सेंटर है, या कोई हॉस्टल बना हुआ है, या कोई ना कोई रहने का स्टे का है। मेरे पीछे देख रहे होंगे कितनी सारी बिल्डिंग है, और मेन कोचिंग हब है ये, यहाँ पे काफ़ी सारी कोचिंग है। फिलहाल जिस स्कीम में मैं खड़ा हूँ, यहाँ पे मैक्सिमम बिल्डिंग फिजिक्स वाला ने अपने अंडर करी हुई है, एज ए हॉस्टल, मेस वगैरह भी है, सारी फैसिलिटीज़ वगैरह हैं। हमारी कोटा की जर्नी के ब्लॉक के इस पार्ट को हम यहीं समाप्त करते हैं, कोटा के हैंगिंग ब्रिज के इस मनोभावित दृश्य के साथ। कोटा की और भी ब्लॉग्स देखने के लिए हमारे YouTube चैनल के साथ कनेक्ट रहें, आपको और भी बेहतरीन वीडियोस देखने को मिलेगी।